नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है कंज्यूमर राइट्स। अब तक हमने उपभोक्ता की समस्याएं, उनका निदान वह उपभोक्ता के बारे में जाना है। आज हम उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जानेंगे। व्यापारी, निर्माता या विक्रेता उपभोक्ता का शोषण इसलिए करते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रहती। इस अज्ञानता के कारण वे अपने हितों का संरक्षण नहीं कर पाते हैं। कई उपभोक्ता तो यह सोचकर भी चुप रह जाते हैं कि उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वे दौड़ भागकर उनकी शिकायत उपभोक्ता मंच तक कर सकें। इन सभी बातों का लाभ विक्रेता उठाते हैं और उपभोक्ता का शोषण करते हैं। यदि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेगा तभी वह संरक्षण कर सकेगा। विक्रेता के विरुद्ध आवाज़ उठा सकना और विक्रेता उसे ना ठगे, इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि उपभोक्ता को उसके अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार इस प्रकार हैं। पहला अधिकार, राइट टू सेफ्टी, यानी सुरक्षा का अधिकार। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना एक आम समस्या है। शुद्ध दूध, घी, शहद, मसाले आदि मिलना दुर्लभ हो गया है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के उपयोग से उपभोक्ता को कई स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी तो उन्हें मृत्यु का सामना भी करना पड़ता है। अतः जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं के क्रय विक्रय के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार होता है, ताकि जो वस्तुएं एक उपभोक्ता को मिले वह उसके उपयोग के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए और उसकी संपत्ति के लिए सुरक्षित हों, उनसे उन्हें कोई हानि ना हो। दूसरा अधिकार है राइट टू चूज, यानी चयन का अधिकार। उपभोक्ता को सही मूल्य पर सही वस्तु चयन करने का अधिकार है, परंतु यह तभी संभव है जब बाज़ार में वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण हो और विक्रेताओं में आपस में प्रतिस्पर्धा हो। निम्न स्तर का सामान होने पर वह उन्हें लौटा सकता है अथवा उसकी शिकायत भी कर सकता है। तीसरा अधिकार है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी सूचित किया जाने का अधिकार, या आप इसे सूचना का अधिकार भी कह सकते हैं। उपभोक्ता को अनुचित व्यापार व्यवहार से संरक्षण प्रदान करने के लिए वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है कि वह जो वस्तु खरीद रहा है उसकी गुणवत्ता, किस्म, मात्रा, शुद्धता, प्रतिशत, मानक मूल्य आदि के बारे में जरा भी संदेह होने पर इसकी पूरी सूचना अखिल भारतीय उपभोक्ता संघ या जिला रसद अधिकारी को दे सकता है। चौथा अधिकार है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। उपभोक्ता को उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। उसे वस्तुओं के बारे में पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करने का हक है। उसे उपभोक्ता बने रहने के लिए ज्ञान एवं क्षमता प्राप्त करने का भी अधिकार है। चौथा अधिकार है, पांचवा अधिकार है राइट टू बी हर्ड, यानी सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता अपनी समस्याओं को लेकर उपभोक्ता मंच या न्यायालय में जा सकता है और उसे यह आश्वासन होना चाहिए कि न्यायालय उसके हितों का समुचित मंचों पर सम्यक रूप से विचार करेगा और उसके हित में शीघ्र ही फैसला करेगा। छठा अधिकार है राइट टू सीक रिड्रेसल,
यानी सुनवाई का अधिकार। यदि विक्रेता उपभोक्ता को किसी प्रकार से धोखा देता है तो या धोखा देने का प्रयत्न करता है तो उसे उपभोक्ता से लिए गए अधिक मूल्य, कम दिए गए माप, तोल, मिलावट, असली बताकर नकली वस्तुएं दिए जाने दी गई हो तो उपभोक्ता को यह अधिकार होता है कि वह उस विक्रेता या निर्माता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता मंच या उपभोक्ता न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सके और उसके पक्ष में सुनवाई हो और उपभोक्ता न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। उसे अनुचित व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनुचित शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार भी है। उपभोक्ता अपनी समस्याओं को लेकर उपभोक्ता मंच या न्यायालय में जाता है तो उसे आश्वासन दिया जाता है कि न्यायालय उसके हितों का समुचित रूप से विचार करेगा और हित में शीघ्र ही फैसला देगा। उपभोक्ताओं को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति निर्बाध रूप से निरंतर होती रहे, जैसे भोजन हेतु सभी खाद्य पदार्थ सामग्रियां, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधा, मनोरंजन आदि, इसके लिए उसे उचित अवसर मिलना चाहिए ताकि बिना शोषण के उपभोक्ता उपभोग कर संतुष्ट हो सके। एक अन्य अधिकार जो सभी के लिए आवश्यक है वह है राइट टू हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट। प्रत्येक उपभोक्ता को ऐसे वातावरण में रहने का पूरा पूरा अधिकार है जहां प्रकृति एवं मानव जीवन के बीच अच्छा एवं संतुलित वातावरण हो, जहां उपभोक्ताओं के जीवन की गुणवत्ता, कार्यक्षमता कायम रहे और वह सुखी और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा उद्योग या धंधा चलाता है जिससे वातावरण दूषित होता है, धुआं निकलता है, अत्यधिक शोर होता है, दुर्गंधयुक्त गैसें निकलती हैं, तो वह व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध शिकायत उपभोक्ता मंच या न्यायालय में करे। जो व्यक्ति उद्योग धंधे, कारखाने या वैसा व्यवसाय प्रारंभ करके वातावरण को दूषित बना रहा है, और यह सब अधिकार जिस अधिनियम के तहत आते हैं वह है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या उपभोक्ता का अधिकार संरक्षण का अधिकार 1986। यह सभी अधिकार जो हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही एक उपभोक्ता को दिए गए हैं। इस प्रकार इन अधिकारों की जानकारी प्राप्त करके उपभोक्ता अपना संरक्षण स्वयं कर सकता है, साथ ही धोखा देने वाले विक्रेता, व्यापारी, निर्माता को सबक भी सिखा सकता है। परंतु दुर्भाग्यवश भारतीय उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति ज्ञान नहीं है और ना ही उनमें सजगता है, ना ही इन अधिकारों का प्रचार प्रसार ही हो रहा है। यदि किसी उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति ज्ञान है, जागरूकता है भी, तो वह उसका उपयोग नहीं करना चाहता, वह संघर्ष से दूर रहना चाहता है। इतना ही नहीं, उपभोक्ता बाजार का सम्राट होते हुए भी उसका सच्चा हकदार नहीं है, क्योंकि वह संगठित नहीं है। परिणामतः वह इन अधिकारों को जानने के पश्चात भी अपना संरक्षण नहीं कर पाता। इस कारण विक्रेता उसे सदैव बेवकूफ़ बनाते हैं और घटिया किस्म की वस्तु देकर अच्छा खासा धन वसूल लेते हैं। अतः इन अधिकारों की जानकारी और उनकी पालना दोनों ही उपभोक्ता के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। छात्राओं, अगली कक्षा में हम उपभोक्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी दायित्व के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।